2014 के पहले का जो दशक था, लास्ट डेकेड, फ्रेजाइल 5, 12 नंबर से 11 नंबर। नरेंद्र मोदी जी शायद इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है, समझे नहीं है। अर्थव्यवस्था जब चलती है, जब गरीबों के जेब में पैसा आता है। यूपीए के समय हम सरकार का पैसा किसानों को, गरीबों को देते थे। मनरेगा, भोजन का अधिकार, ये हमारे प्रोग्राम्स थे। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हैड नॉट अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ मनरेगा। ही हैड नॉट अंडरस्टूड दैट मनरेगा हैड फॉरएवर ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन लेबर मार्केट। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, मनरेगा को खोखला कर दिया। In 2004, I committed our government to what I said would be a new deal for rural India. I believe we have delivered on that promise very substantially. Through increased investment in rural development and rural infrastructure, especially roads and electricity. गरीबी हटाओ के नारे दिन रात दिए जाते रहे, इन नारों के बीच गरीबी तो हटी नहीं। यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। ये सच्चा आंकड़ा है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि विस्थापन से गरीबी न बढ़े, जमीन खोने वालों की रोजी रोटी न छिने और रोजगार खोने वालों को बेहतर रोजगार मिले। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मुझे बताओ, मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, किसानों का कितना माफ किया, बेरोजगारों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ किया। 1% के हाथ में पूरा का पूरा है। The truth cannot be hidden. The truth always comes out.